तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, क्लास ट्वेल्थ इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम के लिए उर्दू का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। अगर आपका भी उर्दू का सेंटअप एग्जाम है और आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग जो इस क्लास को देख लीजिए दोस्तों। इस क्लास के माध्यम से आप सभी को ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो अच्छे से इस क्लास को कीजिएगा दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन को आप सभी जो है क्लास में ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी फ्रेंड्स को अपने अपने यानी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन वो भी इस क्लास का फायदा उठाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सब्जेक्टिव के रूप में। देखिए आपका आंसर भी वही नीचे दिया हुआ रहेगा, आप लोग नीचे आंसर देखिएगा, ठीक है। देखिए आपका क्या है कि ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरों पर फातियाना चमक थी, उनसे क्या मुराद है कि अजीज अहमद। अजीज अहमद को ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरों पर फातियाना चमक थी, तो आप सभी को जवाब के रूप में क्या लिखना है कि हाँ उनके चेहरों पर जो है फातियाना चमक थी, ठीक है दोस्तों। बस इतना लिखना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कि भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गए। देखिए दोस्तों, आप सभी को यहां पर जो है इसको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया है। तो ऑप्शन दे देंगे आपको सुबह के 7:30 बजे, 8:30 बजे, 5:30 बजे, 4:30 बजे। तो आप सभी को याद रखना है सुबह के 8:30 बजे भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम खत्म हो गया था, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो यहां पर अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप सभी को बस इतना लिखना है जवाब दे करके, ऐसे जवाब लिखना है, ठीक है, ऐसे जवाब लिख करके उसके बाद क्या लिखना है कि सुबह के 8:30 बजे भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है, इतना लिखना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर कि सलाम बिन रज़ाक को किस साल जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। तो सलाम बिन रज़ाक को साहित्य एकेडमी अवार्ड से जो नवाजा गया है ना, वो आपका 2004 ईस्वी में इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए दोस्तों, आप सभी को सब्जेक्टिव के रूप में अगर दें कि सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, तो आप सभी को याद रखना है ये 2004 नहीं 1998 में नवाजा गया है दोस्तों, ठीक है, 1998 में इसको साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, यहाँ 2004 ईस्वी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आप सभी को अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो आप लोग वो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 1998 लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, किन 2 जुबानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक थे, अदब से सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक था। तो देखिए दोस्तों, सलाम बिन रज़ाक का 2 जुबान था, ठीक है, सबसे पहला एक हिंदी और दूसरा मराठी, इनसे जो है उनका बहुत अदबी ताल्लुक था, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप सभी को सब्जेक्टिव के रूप में क्या लिखना है कि हिंदी और मराठी जुबानों से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक था, ठीक है दोस्तों, अदबी ताल्लुक है, राइट आंसर इसका यही लिखना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्या है कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में कराए थे कि नहीं कराए थे कि बंजारों को खानाबदोश के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को बस ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे लिखना है, सॉरी सब्जेक्टिव में जवाब के रूप में कि बंजारों को भी खानाबदोश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इतना लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या पूछा गया, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए में तनख्वाह में हुई। तो आप सभी को कुछ नहीं लिखना है, इतना लिखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली 40 रुपए महीना में हुई थी, ठीक है दोस्तों, इतना लिखना है, आप सभी को जो है पूरा मार्क्स मिल जाएगा, और थोड़ा सा फ्रेश होकर के लिखना है, राइटिंग बना करके लिखना है, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका 7 नंबर, 7 नंबर क्या है, मीर अमन दहलवी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से कब सबको दोस्त हुए, मतलब कि मीर अमन दहलवी जो है वो जो है उनका जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम जो हुए थे उनके बाद जो सबको दोस्त लिए थे, तो सबको दोस्त कब हुए थे। तो आप सभी को याद रखना है, मीर अमन दहलवी 1806 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में से सबको दोस्त हुए थे, मतलब कि रिटायर हुए थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1806 ईस्वी में मीर अमन दहलवी जो है रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिंह पदब से है। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी का बताए थे ना, जब चैप्टर वाइज करवा रहे थे तो ऊपर में हेडलाइन नहीं बताए थे कि ये सब क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बताए थे कि बागो बहार एक दास्तान है, ये याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। और देखिए ये पूछा गया है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिंह पदब से है, तो आप सभी को लिखना है बागो बहार का ताल्लुक दास्तान से, ठीक है, इतना लिखना है, पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है, बागो बहार कहाँ लिखी गई है। देखिए दोस्तों, बागो बहार जो लिखी गई है तो वो कहाँ लिखी गई है, तो आप सभी को पता ही होगा कि बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है, ठीक है, याद रखना है। बागो बहार कब लिखी गई है, तो 1801 ईस्वी में लिखी गई है, और कहाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है। तो आप सभी को यहाँ बस ये पूछा है कि बागो बहार कहाँ लिखी गई है, तो आप सभी को लिखना है क्या कि बागो बहार जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्या है कि बाग वो बहार जो है किस किताब का तर्जुमा है। देखिए दोस्तों, बाग वो बहार जो है कौन से किताब का तर्जुमा है, तो आप सभी को क्या लिखना है कि बाग वो बहार जो है अमीर खुसरो की किताब चहर दरवेश का तर्जुमा है। ठीक है, इतना लिखना है, आप सभी को फुल मार्क्स मिल जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जो है आपका पूछे जाते हैं ना, फाइनल बोर्ड हो, फाइनल एग्जाम हो, या आपका सेंटअप एग्जाम हो, तो उसमें जो है यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है। तो बागो बहार जो है अमीर खुसरो की किताब चहर दरवेश का तर्जुमा है। ये क्वेश्चन आप सभी को मैंने ऑब्जेक्टिव में करा चुका है। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर देखें, सलामी रजा को साहित्य अकेडमी अवार्ड से कब नवाजा गया। तो आप सभी को इससे पहले बताया कि सलामी रजा को साहित्य अकेडमी से 1998 में नवाजा गया, ये आप सभी को पहले बताया। तो इतना बस लिखना है आप सभी को और पूरा मार्क्स लेके आना है। ठीक है, देखिए आपका 12 नंबर, अफसाना इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ कौन है। तो अफसाना इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ, तो मुसन्निफ के बारे में आप सभी को हेडलाइन में बता रहे थे। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग क्लास कर रहे थे चैप्टर वाइज, तो उसमें आप सभी को यहाँ पर जो हेडलाइन जो था वो हर एक का समझाए थे। अगर जो भी स्टूडेंट चैप्टर वाइज किए हैं तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, याद रखे होंगे आप सभी कि अफसाना इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ का जो नाम है वो है सलाम बिन रज्जाक है। क्या है दोस्तों, तो आप सभी को क्या लिखना है जवाब के रूप में कि अफसाना इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ सलाम बिन रज्जाक है। इतना लिखना है, 2 मार्क्स लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 13 नंबर क्या है, अफसाना इब्राहिम सुक्का सलाम बिन रज्जाक के किस अफसानवी मजमुआ से माखूज है। देखिए दोस्तों, अफसाना इब्राहिम सुक्का सलाम बिन रज्जाक के किस अफसानवी मजमुआ से माखूज है। तो आप सभी को याद रखना है, अफसाना इब्राहिम सुक्का सलाम बिन रज्जाक के अफसानवी मजमुआ शिकस्ता पतों के दरमियान से माखूज है। देखिए दोस्तों, यानी अफसाना जो है आपका यानी सलाम बिन रज्जाक का शिकस्ता पतों के दरमियान, उससे जो है माखूज है इब्राहिम सुक्का। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा और लिख करके आना है पूरा। देखिए 14 नंबर, 14 नंबर आपका क्या है, मिर्जा गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे हैं। देखिए दोस्तों, मिर्जा गालिब ने कुल कितने खत लिखे हैं, तो आप सभी को ये भी क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। अगर 10th में अच्छे से पढ़े होंगे उर्दू, तो 10th में ही ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब के जो है 900 खतूत हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा कि मिर्जा गालिब के कुल 900 खतूत हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मिर्जा गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे हैं, बस इतना लिखना है, 2 मार्क्स लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या है कि मौलाना आजाद का असल नाम। तो मौलाना आजाद का असल नाम आप सभी को ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि मौलाना आजाद का असल नाम मुहियुद्दीन अहमद था। तो आप सभी को सब्जेक्टिव में भी यही लिखना है कि मौलाना आजाद का असल नाम मुहियुद्दीन अहमद था। ठीक है, इतना लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि मौलाना आजाद कब पैदा हुए। तो मौलाना आजाद 1888 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी को याद रखना है, यानी मौलाना आज़ाद जो है कब पैदा हुए, तो वो 1888 ईस्वी में पैदा हुए हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा और इतना लिख करके आना है अगर पूछे तो। देखिए आपका मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलाना आज़ाद के जो है फादर का नाम। तो आप सभी को याद रखना है, मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, मौलाना खैरुद्दीन था। ठीक है, याद रखना है और लिख करके आना है अगर पूछे तो। 18 नंबर देखिए कि मौलाना आज़ाद के वालिद मक्का में क्या करते थे। तो देखिए, मौलाना आज़ाद के जो वालिद थे, फादर थे, तो वो जो है मक्का में क्या करते थे। तो मक्का में क्या करते थे दोस्तों, तो वो दर्स व तदरीस का काम करते थे। तो आप सभी को सब्जेक्टिव के रूप में क्या लिखना है, सबसे पहले आप सभी को यानी जवाब वाला लाइन देना है। ठीक है, हेडलाइन में जवाब देना है, उसके बाद यहां से शुरू करना है क्या कि मौलाना आजाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन मक्का में दर्स व तदरीस का काम करते थे, इतना लिखना है बस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल कब हुआ। तो ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ है। तो आप सभी को ये भी बताए थे कि उनका पैदाइश 1878 ईस्वी को बस्ती हजरत यानी निजामुद्दीन औलिया में हुआ है। ठीक है, ये आप सभी को बताए थे। अब उनका इंतकाल भी आप सभी को ऑब्जेक्टिव के रूप में बताए थे कि ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इतना लिखना है दोस्तों आप सभी को और 2 मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है, 20 नंबर देखें, वली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की शेर किसके मुजामिन है। तो देखिए दोस्तों, यानी ये जो आपका मुजामिन है, वली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की शेर, तो ये आपका मिर्जा फरतुल्ला बैग के हैं। तो आप सभी को सब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप सभी को क्या लिखना है कि वली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की शेर जो है फरतुल्ला बैग के मुजामिन है। ठीक है, इतना लिखना है, आप सभी को मिल जाएगा फुल मार्क्स। और 21 नंबर देखिए कि नजीर अहमद फरतुल्ला बैग के कौन थे। तो
देखिए दोस्तों, नज़ीर अहमद फरतुल्ला बेग के कौन थे, तो नज़ीर अहमद फरतुल्ला बेग के उस्ताद थे। ठीक है, इतना आप सभी को पता होगा जो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास किए हैं। तो देखिए 22 नंबर, फरतुल्ला बेग के साथ मदरसे में कौन था, तो फरतुल्ला बेग के साथ मदरसे में मियाँ दानी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से, तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक नाविल से है और नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक खाका से है। ये सब क्वेश्चन आप सभी को पता होगा यार, अगर आप सभी अच्छे से क्लास किए हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर कि रस्सी लिए कौन ऊँग रही थी, तो देखिए दोस्तों रस्सी लिए कौन ऊँग रही थी, तो वो बीचमारी ने, कौन दोस्तों, बीचमारी ने जो है वो रस्सी लिए, यानी क्या कर रही थी, रस्सी लिए ऊँग रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, मिस्टर राजा किस कॉलेज के तालिबे इल्म थे, देखिए दोस्तों मिस्टर राजा जो है वो कौन से कॉलेज के यानी स्टूडेंट थे। तो आप सभी को सब्जेक्टिव के रूप में क्या लिखना है कि ऐसे तो हिंदू कॉलेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी जवाब नंबर ऐसे लिख करके कि जवाब नंबर 25 ऐसे करके, यानी 25 ऐसे करके आप सभी ना लिख करके उसके बाद क्या लिख सकते हैं, हिंदू कॉलेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदू कॉलेज लिख करके आप सभी आ सकते हैं, यानी 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन उसको थोड़ा अच्छे बेहतर ढंग से अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि मिस्टर रजा हिंदुस्तान कॉलेज के तालबे इल्म थे, इतना छोटा सा लिखना है और 2 मार्क्स लेके आना है। और वैसे क्या होता है कि जो चेक करने वाले होते हैं ना उसको अच्छा लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 26 नंबर कि किसकी सरफ व नहू जो है बहुत कमज़ोर थी, तो किसकी सरफ व नहू कमज़ोर थी दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि फरतुल्ला बेग का जो है सरफ व नहू बहुत कमज़ोर थी, एराब में गलतियाँ करते थे, ये पता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या लिखना है कि फरतुल्ला बेग की सरफ व नहू बहुत कमज़ोर थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर, 27 क्या है कि गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक रखने वाले सिंफ को कहते हैं, देखिए दोस्तों गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक रखने वाले सिंफ को क्या कहते हैं, तो मजमून कहते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को बताए थे ऑब्जेक्टिव में, तो आप सभी को क्या लिखना है, जब आप सभी को ये क्वेश्चन पूछे तो आप सभी को क्या लिखना है कि गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक रखने वाले सिंफ को मजमून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 28 नंबर कि मिट्टी का तेल किसका लिखा हुआ मजमून है, तो ये भी तो आप सभी को बताए थे ना कि मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नजामी का है। ठीक है, नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग का है, बाज पुराने लफ्ज़ों की नहीं थे कि सैयद सुलेमान नदवी का है, और इंसाइया क्या है कि मुसन्निफ़ कौन है, तो इंसाइया क्या है, तो इंसाइया क्या है कि मुसन्निफ़ वजीर आगा, हिजरत का अहमद जमाल पाशा, ये सब आप सभी को अच्छे से बताए थे। ठीक है, तो मिट्टी का तेल का कौन होगा, ख्वाजा हसन नजामी, इतना तो सब किसी को पता होगा। 29 नंबर देखिए कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम, तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम भी आप सभी को कल के ही क्लास में कराए थे कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम सैयद अबुल हसन है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को सब्जेक्टिव में इतना ही लिखने पर भी मार्क्स मिल सकता है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से लिखने का तरीका यह है कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम सैयद अबुल हसन था। ठीक है, इतना लिखना है और 2 मार्क्स लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या है कि आला तालीम के लिए जो है 1901 में कहाँ गए, देखिए दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए थे, तो ये भी क्वेश्चन बताए थे ना कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में जो है, यानी सैयद सुलेमान नदवी चले गए थे। ठीक है, ये बताए थे आप सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 चलते हैं, 31 क्या है, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल और कहाँ हुआ है ये बताए थे आप सभी को कि सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में हुए। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल हुआ। ठीक है, पैदाइश भी बताए थे कि उनकी पैदाइश दसना नालंदा में हुआ है, बिहार के दसना नालंदा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था, तो बिहार से था। देखिए 32 नंबर कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, तो देखिए दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी जो शागिर्द थे सिबली नोमानी के थे, ये पता होगा। तो आप सभी को सब्जेक्टिव में क्या लिखना है कि सैयद सुलेमान नदवी जो है वो जो है यानी सिबली नोमानी के शागिर्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, 33 क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी ने 3 मुजामिन के मजमुओं का नाम बताएं। देखिए दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी के 3 मुजामिन के मजमुए का नाम आप सभी को याद रखना है। पहला तो नुकुसे सुलेमानी, दूसरा हमारी ज़ुबान के नाम, उसके बाद मुजामिन सुलेमानी। ठीक है, इतना आप सभी को ये तीनों याद रखना है और तीनों लिख करके आना है और 2 मार्क्स लेकर के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, 34 क्या है, अरब व हिंद के ताल्लुकात किसकी किताब है, अरब व हिंद के ताल्लुकात से ताल्लुकात जो है किसका किताब है, तो सैयद सुलेमान नदवी का। इतना लिखिएगा दोस्तों कि अरब व हिंद के ताल्लुकात जो किताब है उनके मुसन्निफ़ जो है वो सैयद सुलेमान नदवी है। ठीक है, थोड़ा सा यानी
अलग तरीके से लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इतना शॉर्ट में लिखने का कोशिश नहीं कीजिएगा। देखिए, भूख तोड़ने की इस्तलाह क्या है, तो भूख तोड़ने की इस्तलाह नाश्ता है, ये पता होगा, ये हर स्टूडेंट को पता होगा। 36 नंबर कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, तो अरबी में नाश्ता को फुतूर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फुतूर के मानी क्या होता है, तो फुतूर के मानी तोड़ने के होते हैं। ये सब क्वेश्चन बताए थे आप सभी को ऑब्जेक्टिव में ही। देखिए, इफ्तार किस लफ्ज से निकला है, तो इफ्तार जो निकला है वो जो है यानी फुतूर से निकला है। किससे दोस्तों, फुतूर से निकला है। नेक्स्ट देखिए आपका 39 नंबर कि लफ्ज निहार किन दो जुबानों में इस्तेमाल होता है, तो निहार, देखिए दोस्तों लफ्ज निहार जो है ना वो आपका किससे, पहला तो फारसी, दूसरा आपका हिंदी, ये सॉरी हिंदुस्तानी, ये दोनों जुबानों से क्या निकला, निहार जो है शब्द निकला है, निहार जुबान निकला है, ठीक है दोस्तों। तो किन जुबान निहार लफ्ज निकला है, तो निहार लफ्ज जो है कौन दो जुबानों में इस्तेमाल होता है, तो फारसी और हिंदुस्तानी, ये याद रखिएगा। 40 नंबर कि देखिए 40 नंबर क्या है आपका कि नाहार का मानी क्या है, तो नाहार का मानी जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो नाहार का मतलब होता है नहीं खाया, क्या होगा दोस्तों, नहीं खाया, वही क्या होगा, नाहार का मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, कलिया किस जुबान का लफ्ज है, तो कलिया जो है वो किस जुबान का लफ्ज है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है कलिया अरबी जुबान का लफ्ज है, कलिया जो है अरबी जुबान का, और जो आपका कोरमा है, कोरमा तुर्की जुबान का है, ठीक है, ये बताए थे आप सभी को कि कलिया अरबी का है, ठीक है, कलिया जो है अरबी का है, और आपका जो है कोरमा जो है वो तुर्की का है, ठीक है, ये सब आप सभी को अच्छे से बताए थे। तो आप सभी को अगर यहाँ से पूछ दे क्वेश्चन कि कलिया किस जुबान का लफ्ज है, तो अरबी, और आपका जो कोरमा है वो तुर्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है 42 नंबर कि कलिया का मानी बताएं, तो कलिया के मानी जो होता है ना वो भूनना होता है, कलिया को हम लोग कली भी बोलते हैं दोस्तों, कलई, ठीक है, क्या बोलते हैं, कलई, तो कलई का मानी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है क्या, भूनना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, सुर्खी से क्या मुराद है, तो सुर्खी से जो मुराद है वो उनवान है। देखिए दोस्तों, आप सभी को लास्ट वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आप सभी को बताए थे कि सुर्खी से जो मुराद है वो उनवान होता है, तो आप सभी को सब्जेक्टिव में क्या लिखना है कि सुर्खी से जो मुराद है, देखिए ऐसे लिखना है, सुर्खी से मुराद उनवान है। देखिए इतना यहाँ पर नहीं हटेगा, तो आप लोग कॉपी में लिखेगा उनवान है, इतना लिखिएगा दोस्तों, ठीक है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, इतना ऐसे करके लिखना है और पूरा मार्क्स लेकर के आना है। देखिए 44 नंबर क्या है कि ओहदी के मानी क्या होता है, देखिए दोस्तों ओहदी के मानी क्या होता है, तो ओहदी के मानी काहिल होता है और अहदी के मानी एक होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं हर साल। तो देखिए ओहदी काहिल और अहदी का मानी जो होगा, यहाँ काहिल नहीं होगा, यहाँ एक होगा, अहदी के मानी क्या होता है कि एक होता है और ओहदी के मानी काहिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 46 नंबर कि कलई का मानी क्या होता है, देखिए दोस्तों कलई का मानी जो होता है वो क्या होता है, तो कलई का मानी जो होता है वो क्या होता है, सफेदी या फिर सफाई होता है, तो आप सभी को क्या लिखना है कि कलई का मानी सफेदी या फिर सफाई होता है, ठीक है, इतना लिखना है, 2 मार्क्स लेकर के आना है। देखिए आपका 47 नंबर, कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं, तो कलई को अरबी में लिसान कहते हैं और फारसी में जो है रांगे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पूछ दे कि कलई को जो है अरबी में क्या कहते हैं और फारसी में क्या कहते हैं, तो अरबी में जो है लिसान कहते हैं और फारसी में रांगे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर कि सैयद सुलेमान नदवी कितनी जुबानों के माहिर थे, तो देखिए दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी जो है अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, ये 5 जुबान के माहिर थे, ठीक है दोस्तों, कितने जुबान के, 5 जुबान के, सबसे पहला तो अरबी, उसके बाद फारसी, उसके बाद आपका इंग्लिश, उसके बाद उर्दू, हिंदी। तो आप सभी को इसको याद करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आप सभी को याद करने के लिए क्या करना है, एक ट्रिक बना लेना है, क्या एफ यानी यहां से याद करना है, कहां से, सबसे पहले किसको लेना है, एफ को लेना है, ठीक है, उसके बाद ए को लेना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एच को लेना है, ठीक है, उसके बाद यू को लेना है, उसके बाद किसको लेना है, ई को लेना है, ठीक है, फाउल याद रखना है, एफ ए एच यू ई, ठीक है, इतना याद रखना है। एफ से क्या, फारसी, ए से अरबी, एच से हिंदी, ऊ से सॉरी यू से जो है आपका क्या होगा, यू से उर्दू, ई से इंग्लिश, ठीक है, एफ ए एच यू ई, ठीक है, इतना ट्रिक याद रखिएगा, आपको क्या करना है, इतना याद रखिएगा तो सैयद सुलेमान नदवी के जुबान का नाम याद आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं हर साल सेंटअप एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 49 नंबर, क्या है कि वजीर आगा की पैदाइश कब और कहाँ हुआ है, तो वजीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी को सरगोधा पाकिस्तान में हुआ है, ये आप सभी को पता होगा, और इनकी इंतकाल जो है 2010 ईस्वी में हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसका इंतकाल जो है कहाँ हुआ है, कब हुआ है, 2010 ईस्वी को, और इनका पैदाइश कब और कहाँ हुआ है, तो
1922 ईस्वी को सरगोधा पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, आप सभी को 2 मार्क्स लेकर के आना है। 50 नंबर देखिए क्या है कि वजीर आगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है 50 नंबर, वजीर आगा की 3 किताबों का नाम बताएं। तो वजीर आगा की 3 किताब का नाम बताएं, तो वजीर आगा की 3 किताब, पहला किताब उर्दू अदब में तंजो मिजा, दूसरा तखलीकी अमन, तीसरा आपका नए तनाजिर। ये तीनों आप सभी को नोट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ये वजीर आगा की 3 किताब का नाम क्या है, तो उर्दू अदब में तंजो मिजा, उसके तखलीकी अमल, उसके नए तनाजिर, इतना याद करना है, पूरा मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है, 51 नंबर, इंसाइया किस शहरी सिंफ, सॉरी इंसाइया शहरी सिंफ है या नसरी, तो ये आपका देखिए आपको जो है ऑब्जेक्टिव में कराते हैं ना कि इंसाइया जो है एक नसरी सिंफ है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव में क्या पूछा गया कि इंसाइया शहरी सिंफ है या नसरी, तो आप सभी को क्या लिखना है कि इंसाइया नसरी सिंफ है, इतना लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंसाइया को दूसरी इजाफे अदब से उनका कौन सा तरीका कार जो है नजर आता है, तो ये भी आप सभी को बताए थे कि इंसाइया को दीगर इजाफ से जो ममीज करता है वो गैर रस्मी तरीका कार करता है, तो ये बताए थे ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि गैर इंसाइया को दूसरी इजाफ अदब से उनका कौन सा तरीका कार जो है नजर आता है, तो गैर रस्मी तरीका कार इख्तियार करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर कि तंजो मिजा इंसाइया क्या है, देखिए दोस्तों तंजो मिजा इंसाइया क्या है, तो देखिए दोस्तों तंजो मिजा इंसाइया जो है इजाफी खूबी है, याद रखिएगा दोस्तों तंजो मिजा इंसाइया क्या है, तो वो इजाफी खूबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 54 नंबर, 54 क्या है कि क्या इंसाइया दूसरी इजाफ से अपने इख्तसार का के बास अलावा नजर आता है, तो आप सभी को लिखना है कि हाँ वो नजर आता है। ठीक है, क्या लिखना है आप सभी को कि हाँ इंसाइया दूसरी हिजाब से अपने इख्तसार के बास अलावा जो है नजर आता है। ठीक है, इतना लिखना है, आप सभी को 2 मार्क्स लेके आना है। 55 नंबर, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, तो ये आप सभी को बताए थे कि अहमद जमाल पाशा की वो पैदाइश 1929 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई है। ठीक है, इतना लिखना है दोस्तों, 2 मार्क्स लेकर के आना है। 2 मार्क्स वाला जितने भी क्वेश्चन है से यहीं से पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग पूरा याद कीजिएगा। ठीक है, और PDF आप सभी को जो है PDF क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और जो है PDF को डाउनलोड करके आप सभी जो है एक बार जरूर याद कर लीजिएगा क्लास के बाद, और आप सभी 100 में 100 करके आइएगा। ठीक है, और कमेंट में बाद में बताइएगा जब एग्ज़ाम देकर के आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए 56 नंबर, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था, तो अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम सजाअत हुसैन था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है। 57 नंबर, 57 के सजाअत हुसैन की कितनी शादियाँ हुई थी, देखिए दोस्तों अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम सजाअत हुसैन, तो सजाअत हुसैन कितनी शादियाँ किए थे, तो 2 शादियां किए थे। ठीक है, वो यानी अहमद जमाल पाशा के वालिद जो है 2 शादी किए थे। ठीक है, अब उसका देखिए 58 नंबर कि अमीन आवाओ लखनऊ में सरवरी मंजिल किसका मकान है, देखिए दोस्तों लखनऊ में जो है आवाओ और लखनऊ में जो है सरवरी मंजिल नाम से किसका मकान है, तो वो जो है अहमद जमाल पाशा का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर, अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हॉल मैगजीन का कौन सा नंबर निकाला और कब, देखिए दोस्तों अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हॉल मैगजीन का कौन सा नंबर निकाला और कब निकाला, तो पेरोडी नंबर निकाले थे और 1957 ईस्वी को निकाले थे। ठीक है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर, देखिए दोस्तों 60 नंबर क्या है, अलीगढ़ से MSc करने के बाद लखनऊ से अहमद जमाल पाशा कौन सा माहनामा जारी किए थे, तो आप सभी को याद रखना है कि जो अहमद जमाल पाशा जो माहनामा जारी किए थे ना, वो आपका अवध पंच किए थे। ठीक है, यानी अलीगढ़ से MSc करने के बाद। 61 नंबर देखिए, 61 क्या है, अहमद जमाल पाशा की अहलिया किस नाम से लिखती थी, देखिए दोस्तों अहमद जमाल पाशा की जो यानी वाइफ थी वो जो नाम लिखते थे, तो वो किस नाम से, तो वो अपना नाम लिखते थे सरवर जमाल नाम से। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ ऑप्शन कहाँ है, सब्जेक्टिव है, हम भी तो बुकला जाते हैं। देखिए अहमद जमाल पाशा की अहलिया किस नाम से लिखती थी, तो वो सरवर जमाल नाम से लिखते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर, 62 क्या है कि अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर थे, तो ये भी आप सभी को पता होगा कि अहमद जमाल पाशा जो है जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान से जो है वो यानी उर्दू का लेक्चरर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कि अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो अहमद जमाल पाशा का इंतकाल
28 सितंबर 1987 को पटना में हुआ। क्या दोस्तों, अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो 28 सितंबर 1987 को पटना में हुआ, भूलिएगा नहीं दोस्तों। और उनकी जो है पैदाइश 1929 को इलाहाबाद में हुआ, ये आप सभी को बताए इससे पहले, ठीक है। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन जो है आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा सब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 64 क्या है कि अहमद जमाल पाशा की तदफीन कहाँ हुई? तो अहमद जमाल पाशा जो मदफून थे तो वो कहाँ, तो वो जो है आपका सीवान में थे, ठीक है दोस्तों। तो यानी अहमद जमाल पाशा सीवान में मदफून है, ये इतना लिखना है, ठीक है। 65 नंबर क्या है कि अहमद जमाल पाशा की 3 किताबों के नाम बताएं। तो अहमद जमाल पाशा के 3 किताब का नाम आप सभी को याद रखना है, चश्मा हैरा, उसके बाद पत्तों पर छिड़काव, उसके जराफत और तनकीद। ये तीनों किताब का नाम आप सभी को नोट कर लेना है अभी के अभी और याद कर लेना है, ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों 66 नंबर कि हिजरत किसका लिखा हुआ इंसाइया है? तो हिजरत जो इंसाइया है वो अहमद जमाल पाशा का है, इससे पहले आप सभी को बताया, ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इससे पहले बताया कि खानाबदोश के नाम से जाना जाता है। 68 नंबर कि हर मुल्क मुल्क में आज से क्या मुराद है? तो देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में कराए थे ना, अब ये सब्जेक्टिव में पूछ दे कि हर मुल्क मुल्क में आज से क्या मुराद है, तो आप सभी को याद रखना है हर मुल्क मेरा मुल्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्या है कि बर्फानी तातीलात गुजारने के लिए कौन महू सफर रहती है? तो देखिए मुर्गाबियाँ जो है, मुर्गाबियाँ क्या करती है, बर्फानी तातीलात गुजारने के लिए जो है ना कान महू सफर जो है वो रहती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद रखना है मुर्गाबियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्या है कि किसके मुकाबला में मजहब इंसान माजूर है? तो देखिए दोस्तों, किसके मुकाबले में मजहब इंसान जो है माजूर है? तो वो खानाबदोश के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर कि मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? तो आप सभी को ये भी बताए थे कि मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है, ठीक है। 72 नंबर क्या है, जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? तो जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ, ठीक है दोस्तों, ये भी बताए थे आप सभी को। 73 इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? तो आप सभी को बताए थे कि आखिरी हिजरत जो है इंसान की, यहाँ जन्नत नहीं होगा, इंसान की आखिरी हिजरत जो है वो मौत है, ठीक है दोस्तों। यहाँ जन्नत नहीं है, यहाँ जन्नत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ रॉन्ग है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए कि इंसान की जो आखिरी हिजरत है ना वो मौत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर कि किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिंफ कौन सी है? तो किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिंफ को हम लोग दास्तान कहते हैं, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। अगर पूछ दे कि दास्तान किसे कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिंफ को दास्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए आपका कि उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन है? तो उर्दू की पहली अदबी दास्तान के बारे में आप सभी को बताए थे ना कि सबरस जो है वो उर्दू की पहली दास्तान है। तो आप सभी को जवाब के रूप में क्या लिखना है, उर्दू की पहली दास्तान सबरस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्या है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या है? तो मीर अमन जो तखल्लुस करते थे वो लुत्फ करते थे, ठीक है, ये आप सभी को हर स्टूडेंट को करवा दिए, ठीक है। 77 नंबर देखें, बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो बागो बहार का ताल्लुक दास्तान से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 78 नंबर कि बागो बहार का किसकी तसनीफ है? तो बागो बहार के मुसनिफ जो है मीर अमन दहलवी है, ठीक है, ऐसे लिख देना है आप सभी को दोस्तों। 79 नंबर देखिए, बागो बहार कहाँ लिखी गई है? तो बागो बहार फोर्ट वलीम कॉलेज में लिखी गई है, ठीक है। ये सब आप सभी को करा चुके हैं, बहुत बार कराए हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी को क्या लिखना है कि बागो बहार चार दरवेश और नौ तर्ज मर्सिया के, यानी उर्दू, और चार दरवेश जो है फारसी के तर्जुमा है, ठीक है दोस्तों, ये आप सभी को याद रखना है। 81 नंबर देखिए, 81 क्या है कि बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए इनाम मिले? तो बागो बहार पर मुसन्निफ को 500 रुपए इनाम मिले, ठीक है दोस्तों, इतना लिखना है आप सभी को, ठीक है। 82 क्या है कि बागो बहार का सन ईसात कब है? तो देखिए दोस्तों, बागो बहार जो लिखी गई है वो कब लिखी गई है? तो सन ईसात जो होगा वो 1801 में हुई है, 1804 में नहीं हुई है दोस्तों, उनकी जो है सन ईसात 1801 में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 नंबर, 83 क्या है देखिए
कि बागो बहार में कितने दरवेशों का बागो बहार में जो है कितने दरवेशों के वाक्यात बयान किए गए हैं, तो बागो बहार में आप सभी को पता होगा कि 4 दरवेशों का जो है वाक्यात किया गया है, सॉरी वाक्यात बयान किया गया है। ठीक है, तो आप सभी को क्या लिखना है कि बागो बहार में 4 दरवेशों का वाक्यात बयान किया गया। ठीक है, ये सब आप सभी बना ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 84 क्या है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी। तो आप सभी को पता होगा जब ऑब्जेक्टिव में कराए थे तो आप सभी को बताए थे कि जान गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर मीर अमन देहलवी ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किए। ठीक है, तो आप सभी को इतना लिखना है ऑब्जेक्टिव में, सॉरी सब्जेक्टिव में। देखिए आपका क्या है 85 नंबर, मुबारक शाह कौन था। देखिए दोस्तों ये आप सभी को एक भी दिन नहीं कराए थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए आपका कि मुबारक शाह कौन थे, तो मुबारक शाह जो है वो नमक खार गुलाम थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे मुबारक शाह, तो मुबारक शाह थे कौन, नमक खार गुलाम थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का 2 मार्क्स का कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम जो है सब्जेक्टिव है उर्दू के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देंगे और उनका 2023 में सेंटअप एग्जाम चल रहा है अभी और कल एग्जाम है, तो आप लोग जो है इस क्लास को देख लिए हैं तो इसका गारंटी हम दे रहे हैं कि आप लोग जो है फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेंगे और सेंटअप में भी बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी से पूछे जाते हैं पूरा, तो इसीलिए अगर जो भी स्टूडेंट को अगर देखे हैं तो आप लोग जो है 1 से 2 बार और देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग का कंफर्म याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, और आप सभी एग्ज़ाम दे करके आकर के कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप सभी का कितना क्वेश्चन जो है यहाँ से लड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।